ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। कई ऐसे चोर होते हैं जो या तो अनपढ़ होते हैं या सिर्फ खुद के शौक पूरे करने के लिए चोरी करते हैं, लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हम भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है। जहाँ सच है तो झूठ भी है, जहाँ चोर है तो वहाँ सिपाही भी है। हमने कई बार सुना है, एक चोर ने ऐसा किया वैसा किया, अपने खराब दिन की वजह से उसने चोरी की। लेकिन उसे आप क्या बोलोगे जिसने अच्छी खासी पढ़ाई की, एक अच्छी पोस्ट पर जॉब भी की, लेकिन बाद में चोर बन बैठा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चोर की जिसने अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और सबको उल्लू बनाया है। उस चोर का नाम धनी राम मित्तल है और लोगों का ये कहना है कि अपनी 25 साल की उम्र से ही चोरी कर रहा है और इसे अपना पेशा भी बना लिया है। 1954 में इसे पहली बार पुलिस ने चोरी करते हुए पकड़ा था। फिलहाल इसकी एज 81 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये पुलिस के चंगुल से फरार है। मिडिल क्लास में जन्मा धनी राम का जन्म 1939 में भिवानी में हुआ था। रोहतक के कॉलेज में इंटर करने के बाद उसने रेलवे में नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर नौकरी पा ली थी और हैरानी की बात ये है कि उसने 1968 से 1974 तक स्टेशन मास्टर के रूप में भी काम किया। 1964 में एक बार रोहतक में आरटीओ के ऑफिस में नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था और इसी कारण पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि वो कोई मामूली चोर नहीं बल्कि बहुत शातिर चोर है। यहाँ तक कि उसने झज्जर के एक कोर्ट में खुद को उसने मैजिस्ट्रेट बताया था। धनी राम मित्तल बचपन से ही पढ़ने में तेज था। उसने राजस्थान से LLB की पढ़ाई की, फिर बटोर मुनीम काम भी किया और साथ ही साथ उसने हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल की। इसी के साथ उसने ग्राफोलॉजी की भी डिग्री हासिल की थी। धनी राम ने रोहतक और दिल्ली में वकील की जॉब के लिए लोकल कोर्ट में भी प्रैक्टिस की थी। यहाँ तक कि उस वक्त उसने खुद को वकील और पुलिस वाला बताकर लोगों की काफी ज्यादा मदद की। धनी राम की कई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में भी जान पहचान थी और गाड़ी चोरी करने के बाद उसे कैसे और कहाँ बेचना था वो इस काम में माहिर था। उसने अपने एक बयान में बताया था कि उसने ये सारी डिग्रीज अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए की है। धनी राम ने अभी तक कम से कम 1000 से अधिक गाड़ियों को चुराया है और बेच भी चुका है। यहाँ तक कि बाकी के चोर कोशिश करते रहते हैं, दिन रात चोरी करेंगे या खाली जगह पर चोरी करेंगे, लेकिन धनी राम दिन के उजाले में सबके सामने चोरी किया करता था और लोगों को इसके कानों कान खबर भी नहीं मिलती थी। वो बस अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाता था और आसानी से लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता था और फिर उनकी गाड़ी चुरा लेता था। कई साल पहले इसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था, तो जब इसे कोर्ट में लाया गया तब उसे जज देख कर भड़क गए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ चोरी किया करता था और इल्जाम से कोर्ट में जाता था और बचकर वापस आ जाता था, जिससे जज धनी राम मित्तल से परेशान हो गए थे। और उसी परेशानी की वजह से उस दिन जज ने धनी राम को कोर्ट रूम से बाहर जाने को कहा। इतना सुनते ही वो पहले तो कोर्ट रूम से बाहर निकला और पुलिस वालों की तरफ जाने लगा। उतने में पुलिस वालों ने उसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो धनी राम ने पुलिस वालों से कहा कि जज ने उसे जाने को कहा है इसलिए वो आ गया है, और इतना कहते ही वो वहां रुक जाता है। जब पुलिस वाले जज से पूछने के लिए अंदर जाते हैं, वैसे ही मौका पाते धनी राम वहां से भाग निकलता है। कोई भी चोर मुश्किल से एक दिन या एक हफ्ता या एक साल चोरी करता है, लेकिन धनी राम मित्तल ने तो सारे चोरों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसने 50 साल तक अपनी चोरी को कायम रखा। जब धनी राम का चोरी करके मन उब गया, यानी वो थक गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी अब जजमेंट पर ध्यान दिया जाए। तो उसने जज की कुर्सी पर बैठने का फैसला कर लिया और उसने वो भी कर दिखाया और जज की कुर्सी पर बैठ गया। वो भी एक या दो दिन नहीं, पूरे 2 महीने से भी ज्यादा समय तक जज की कुर्सी पर बैठा रहा और अपना फैसला सुनाता रहा। सिंपल तरीके से बोलूं तो जिस चोर को कठघरे में खड़ा होना चाहिए था वो जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुना रहा था। इसकी यही वजह है कि लोग इसे चार्ल्स शोबराज भी कहते हैं और कई लोग इसे हिंदुस्तान का सबसे शातिर ठग कहते हैं। कहा जाता है इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवा दिया था। लेकिन बाद में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो वो पहले ही वहां से भाग चुका था
और इसके बाद वो जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा कर दिया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जहां लोग इतने बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद अपने फ्यूचर को लेकर फोकस्ड हो जाते हैं, वहीं धनीराम मित्तल जैसे लोग सिर्फ पैसों की लालच में अपने पढ़े लिखे होने का यही सब कामों में इस्तेमाल करते हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ धनीराम मित्तल ही इकलौता चोर नहीं है जिसने ऐसा कुछ किया हो, वो सारे लोग इनके बराबर हैं जो गलत और अच्छे चीजों का भेदभाव जानते हुए भी गलत रास्ते को चुनते हैं। यहाँ तो फिर भी धनीराम मित्तल ने अपने बुढ़ापे तक चोरी की है और आज तक वो पुलिस के चंगुल से फरार है। 78 इयर्स के धनीराम को दिल्ली पुलिस की गाड़ी चोरी में 24 बार गिरफ्तार किया गया था। वो 4 मई को जेल से बाहर भाग आया था जिसके बाद उसने शालीमार बाग इलाके से एक मारुति एस्टीम चुराई थी। धनीराम इससे पहले कई बार अलग अलग चोरी के मामले में 23 बार गिरफ्तार हो चुका था। लास्ट बार उसने 31 मार्च को चोरी की थी। ये इस बार भी पुलिस के चंगुल से निकल जाता अगर पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज में ये नजर नहीं आता, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया था। तो ये भी एक स्टोरी हो सकती है आने वाली फिल्म धूम 4 में, जिसमें हमें कुछ ऐसा ही नजर आ सकता है, यानी कोई ऐसा ही चोर दिख सकता है। मेकर्स अभी धूम 4 की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपनी कुछ कास्ट को फाइनल कर लिया है। मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म 2024 तक रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।